discuss the convergence of infinite product n running from 1 to infinity 1 plus 1 by n square. ए एन की वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर ए एन मेरा क्या है 1 बाई एन स्क्वेयर. देखिए n एक नेचुरल नंबर है, 1 एक नेचुरल नंबर है, स्क्वेयर करेंगे तो भी पॉजिटिव, ये हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी. इनफाइनाइट प्रोडक्ट ये गिवन है, यहाँ से हमने कंपेयर करके ए एन की वैल्यू फाइंड आउट की और ए एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, हमने एक रिजल्ट किया था पीछे, देखिए यहाँ रिमेंबर टू रिजल्ट में रिजल्ट लिखे भी हुए हैं. अगर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो देन दीज आर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर था. अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, और अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो प्रोडक्ट भी डाइवर्जेंट. इनफाइनाइट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो यानी इन दोनों का बिहेव एक जैसा होगा, लेकिन सीरीज ए एन डैट इज़ 1 बाई एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट. हम पी अगर ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो हमारी सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट. ठीक है, और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कैसी होती है डाइवर्जेंट. तो यहाँ p की वैल्यू 2 है तो हमारी सीरीज कैसी हो गई कन्वर्जेंट. अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी कैसी होगी कन्वर्जेंट. ठीक है, सेकंड रिजल्ट सेकंड एग्जांपल डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिस ए एन हमारा क्या होगा 1 बाय एन रेज टू पावर अल्फ़ा वे अल्फ़ा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ए रेज टू ए एन हमारी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ और सेम ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ हो गया. लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा जो पी है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है यानी 1 से छोटा है तो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट. अगर सीरीज डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी डाइवर्जेंट होगी. ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट n. बीच में माइनस है बच्चे, आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में. तो बी एन अगर हम लेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट n हुआ. ठीक है, बी एन लाइज बिटवीन 0 एंड 1 क्योंकि आप देखिए नेचुरल नंबर आप कुछ भी रखिए 0 और 1 के बीच में क्वान्टिटी रहेगी. तो समीशन बी एन एंड प्रोडक्ट 1 माइनस bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. देखिए जब ए एन 0 और 1 के बीच में था तो ए एन कन्वर्जेंट था तो यहाँ 1 माइनस an के लिए कन्वर्जेंट था. अगर ए एन डाइवर्जेंट था तो 1 माइनस an डाइवर्जेस टू 0 था. ठीक है, इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास बी एन क्या है बाई पी टेस्ट डाइवर्जेंट है तो 1 माइनस bn डाइवर्जेस टू 0 होगा. हैंस द गिवन इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिस डाइवर्जेस टू 0. ये वाला पेज आप अच्छे से याद करेंगे, अभी भी आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास ये रिजल्ट नहीं लिखे हुए, और इनको एक पेज पर आप लिख लीजिए. ठीक है, जब आप इनको लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको इनफाइनाइट प्रोडक्ट का कोई भी सम करना बहुत इजी हो जाएगा. फोर्थ एग्जांपल है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन डैट इज़ एक्स बाई एन क्या है ए एन. ठीक है, अब हम एक्स वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 तो नहीं है लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए हम केस बनाएंगे. पहला केस लिया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ए एन पॉजिटिव हुआ और समीशन ए एन बाई पी टेस्ट ये हमारा डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है. अगर ए एन डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा. ठीक है, क्लियर. अब हम सेकंड केस कर रहे हैं व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ए एन क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा. तो हम इसके स्क्वेयर की बात करते हैं, समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वेयर क्या रहेगा एक्स स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट क्योंकि टू की पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 2. अगर ये कन्वर्जेंट है और हम समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन की बात करूँ तो ये डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है क्योंकि एक्स क्या है नेगेटिव, तो ये डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू 0 होगा. फिर वही आप रिजल्ट देखेंगे बच्चे, जब हमारा ए एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट हो, ए एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट है तो ए इनफाइनाइट प्रोडक्ट का कन्वर्ज बिहेवियर जानने के लिए मुझे ए एन का बिहेव भी पता होना चाहिए. ए एन स्क्वेयर तो कन्वर्जेंट है, अगर ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाए तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है. ए एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट है लेकिन ए एन डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाए तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है. अगर ए एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट है
और साथ में समीशन एंड रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी रिजल्ट का यूज़ हुआ तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो हो गया। ए एन स्क्वेयर कन्वर्जेंट था लेकिन ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी था तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल फिफ्थ देखिए, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिस। तो हमारे पास ये क्या नंबर चला हुआ है, माइनस वन रेज टू पावर एन बाय स्क्वेयर रूट एन। ठीक है, यहाँ पर ए एन क्या हुआ, माइनस वन रेज टू पावर एन बाय स्क्वेयर रूट एन, प्रोडक्ट एन रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी है सो डैट ए एन स्क्वेयर क्या हुआ, वन बाय एन। ठीक है, ए एन स्क्वेयर वन बाय एन है, डाइवर्जेंस बाय पी टेस्ट। ए एन स्क्वेयर कैसे है, डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट और ए एन कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो डाइवर्जेंस टू जीरो रहेगा। इसके लिए हमने ये रिजल्ट यूज़ किया, समीशन एंड रनिंग टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वेयर इज डाइवर्जेंट। अगर ए एन स्क्वेयर डाइवर्जेंट है तो ए एन या कन्वर्ज करे या ऑसिलेट करे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, डाइवर्जेंस टू जीरो। उसी का यूज़ करके यहाँ इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस टू जीरो हुआ। एग्जाम्पल सिक्स देखिए, वन माइनस वन बाय टू, वन प्लस वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय वन बाय टू, यानी जो हमारी प्रोडक्ट है देखिए ये वन बाय टू तो फिक्स है, सिर्फ एक बार माइनस प्लस हो रहा है तो वन बाय टू के साथ अल्टरनेटिंग साइन आने के लिए माइनस वन रेज टू पावर एन आ जाएगा। ये आपको बनानी आनी चाहिए इनफाइनाइट प्रोडक्ट की फॉर्म। तो ए एन मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ए एन क्या हो गया, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वन बाय टू, यानी समीशन ए एन क्या बना इस तरीके का। एस एन क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स होता है सीरीज का, अगर एन इवन लेंगे तो ये जीरो को टेंड करेगा और एन अगर एन को मैं ओड लूँगी तो ये माइनस वन बाई टू को टेंड करेगा। तो एस एन जो सीक्वेंस है वो हमारी ओसिलेट कर रही है बिटवीन टू फाइनाइट लिमिट्स। अगर सीरीज ओसिलेट कर रही है और ए एन स्क्वेयर अगर कर दिया जाए तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर अप टू इन्फिनिटी, ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है। विद द सेम रिजल्ट हम कहेंगे इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिस। यहाँ पर ए एन क्या है, एन एक्स बाय एन प्लस वन का होल पावर एन है। ठीक है, अगर ए एन की पावर वन बाय एन कर दी जाए, दोनों तरफ वन बाय एन ले लूँ तो सिर्फ इतना रह जाएगा एन एक्स बाय एन प्लस वन, अगर नीचे वाले से एन कॉमन ले लिया जाए तो वन प्लस वन बाय एन, और जो कॉमन लिया वो ऊपर वाले एन के साथ कट गया तो ए एन रेज टू पावर वन बाय एन की हमने सिर्फ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाए तो क्या है कि एक्स, ठीक है, बाय कोशी रूट टेस्ट, हमने फोर्थ चैप्टर में सारे रूट टेस्ट किए हैं, बाय कोशी रूट टेस्ट द सीरीज दिस इज कन्वर्जेज इफ एक्स इज लेस देन वन एंड डाइवर्जेज इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट इफ़ फोर एक्स लेस देन वन एंड डाइवर्जेंट फोर एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट का बिहेव एक्स पर डिपेंड करेगा, एक्स लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट होगी, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट होगी। अब हमारा केस बचा एक्स इज इक्वल टू वन के लिए, अगर मैं ए एन में एक्स को वन पुट कर दूँ तो ये सी ए एन ये बन जाएगा और इसकी लिमिट वन बाई ई होगी जो नॉट इक्वल टू जीरो है। हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया था, अगर ए एन की लिमिट जीरो नहीं है तो वो सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं करेगी, यानी वो डाइवर्ज, पॉजिटिव टर्म्स की है तो डेफिनेटली डाइवर्ज करेगी, अगर सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, यानी एक्स लेस देन वन के लिए तो कन्वर्जेंट आया और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए डाइवर्जेंट आया। अब हमारा एट्थ एग्जाम्पल है, प्रूव डैट प्रोडक्ट एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स बाई एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एन, ये पूरे के साथ प्रोडक्ट में है, इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल एक्स। मुझे इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिखाना है। हमारे पास गिवन इनफाइनाइट प्रोडक्ट ये है। अब यहाँ से बच्चे आप ए एन ही निकाल सकते हैं क्योंकि ए एन होता है वन प्लस जो भी हमें साथ दिया हो डैट इज़ ए एन, लेकिन मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई एन प्लस समथिंग हो जाएगा जो ए एन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो हमें इसे पूरा वन प्लस ए एन की फॉर्म में रखा कि वन प्लस ए एन मेरा ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ए एन अलग नहीं कर सकती। अब हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन लिखी, ठीक है, और इसकी इसको सोल्व किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो आपको तीन या चार टर्म्स तक लिखने हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने इनकी प्रोडक्ट कर ली अंदर, ठीक है, आपस में प्रोडक्ट ही है और ये आ गया है। अब वन से वन हट के अब मुझे ए एन मिल जाएगा,
ए एन क्या हुआ, ये ठीक है, ए एन तक आप निकाल लेंगे, यहाँ से वन बाई एन स्क्वेयर कॉमन लिया तो ए एन मेरा ये सारा आ गया। अगर मैं टेकिंग मोड मोड लूँगी तो वन बाई एन स्क्वेयर तो पॉजिटिव क्वान्टिटी है, इस पर तो मोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर वाली सारी टर्म्स के लिए हमने मोड यूज़ कर लिया। ठीक है, मोड ऑफ ए एन ये है, जैसे हम फिफ्थ चैप्टर में करते थे कंपेरिजन टेस्ट लगाने के लिए बी एन हम खुद सेलेक्ट करते थे, फोर्थ चैप्टर में इनफाइनाइट वाले चैप्टर में हमने वैसे ही किया, बी एन हमने खुद सेलेक्ट किया वन बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, मोड ऑफ ए एन बाई बी एन करेंगे डैट इज़ दिस, उसकी लिमिट यूज़ करेंगे तो जो एक्स स्क्वेयर बाई टू आ गई, एक्स जैसे ही फाइनाइट होगा ये भी एक फाइनाइट क्वान्टिटी हो जाएगी। ठीक है, बाई कंपेरिजन टेस्ट दिस एंड दिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, अगर एक्स जीरो भी होगा तो भी बच्चे जीरो लिमिट बनेगी, और ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू जीरो के लिए भी अगर बी एन कन्वर्जेंट हो तो हमारे पास ए एन का भी वही रिजल्ट होल्ड करता है, तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ए एन बाय बी एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एल हो नॉन जीरो एंड फाइनाइट, जहाँ पर एल क्या है, एल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एल नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तो हमारे पास ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर था। फिर हमने एक नेक्स्ट कंपेरिजन टेस्ट किया था जहाँ हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाय बी एन की वैल्यू जीरो लेकर चलते थे लिमिट। ठीक है, तो हम कहते थे अगर बी एन ए एन बाई बी एन की लिमिट जीरो है और अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो भी ए एन कन्वर्जेंट होगा, वो चीज़ इसी में इंक्लूड हो जाएगी। अगर ये जीरो होगा और बी एन हमारा कन्वर्जेंट है तो भी हमारा मोड ऑफ ए एन क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा, यानी ए एन क्या हो गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर सीरीज ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। नाइन्थ एग्जाम्पल देखिए, शो डेट वन माइनस, अब ये मेरा पूरा एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये एक्स रेज टू पावर माइनस है, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं ए एन ये निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन क्या हो जाएगा, ये सारा क्लियर। मोड ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, टेकिंग मोड, देखो पावर में मोड नहीं आएगा, मोड लिया है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मोड और इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ ए एन प्लस वन क्या होगा, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर दीजिए, ए मोड ऑफ ए एन बाय मोड ऑफ ए एन प्लस वन किया, इनको डिवाइड किया, बहुत सिंपल से नेगेटिव है ये ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही ये नेगेटिव है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल सी कैलकुलेशन से सॉल्व किया, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी चेक किया तो डैट इज़ मोड एक्स, मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन वन बाय रेशियो टेस्ट, हमने रेशियो टेस्ट किया था डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, इसका मतलब ये कैसी होगी, मोड ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है तो यानी ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट प्रोडक्ट वन प्लस ए एन भी कैसी होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन, यहाँ पर भी मैं ए एन अलग से एक्सक्लूड नहीं कर सकती हूँ तो मुझे इस पूरे को वन प्लस ए एन के इक्वल रखना होगा। इसमें मैंने वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया है वो टू एन के साथ लिया, जो सब्ट्रैक्ट किया है वो माइनस वन के एक्स के साथ लिया, इनको थ्रू आउट डिवाइड किया तो ये फॉर्म बन गई। अब मैं ए एन को अलग कर सकती हूँ, ए एन मुझे ये मिला। ठीक है, अब मोड एक्स पर हम केस बनाएंगे, इफ़ मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन वन, मोड एक्स अगर ग्रेटर देन वन है तो मोड ऑफ ए एन को हमने सिंपल सी कैलकुलेशन से सॉल्व किया, ये इसके इक्वल आ गया, जबकि बट सीरीज एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन बाय मोड ऑफ एक्स रेज टू पावर टू एन यही बनेगा, ये एक जी पी सीरीज है विद कॉमन रेशियो वन बाय मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब वन जो कॉमन रेशियो वो है लेस देन वन हो। ठीक है, यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब मोड एक्स ग्रेटर देन वन होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, कि अगर कंपैरिजन टेस्ट ये हमारी कन्वर्जेंट ए एन कब कन्वर्जेंट होगी, जब हमारे पास मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है इसका मतलब इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, फिर हम केस सेकेंड केस ले रहे हैं, वेन एक्स मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, इसकी अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन वन है उसकी पावर एन करता है तो हमें पता है वो जीरो को टेंड करता है, ए एन क्या हुआ एक्स माइनस वन वन बाई वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये एक्स माइनस वन बच जाएगा, डैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि इसकी लिमिट जीरो हो गई। ठीक है, ये ओवर में बच वन बना सिर्फ एक्स माइनस वन बाई वन, डैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर किसी सिक्वेंस कोई सिक्वेंस जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इससे बनी सीरीज
कभी कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये एक, ठीक है। तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। केस थर्ड करते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, अगर एक्स वन होगा तो वन प्लस वन, वन प्लस वन टू बाई टू यानी डेट इज़ वन, तो हर फैक्टर वन के इक्वल है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट, आप कितने भी फैक्टर लो प्रोडक्ट करो वन के साथ डेट इज़ वन, तो कन्वर्जेंट आएगा। लेकिन अगर एक्स माइनस वन है तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स एज टू आवर टू एन, वन प्लस एक्स एज टू पावर टू एन, हेयर वन प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर अगर हम x को माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, ए एन क्या हो गया माइनस वन, यानी इसकी लिमिट जीरो नहीं आ रही है, नल सिक्वेंस नहीं है, तो सीरीज कभी डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज नहीं करेगी, इसका मतलब सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी।